हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी स्टूडियो प्रभाव। मैं सुनील अभिव्यक्ति, एक्स इंटरव्यूअर आईएएस, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज पाक्षिक पत्रिका का संपादक एवं लेखक, दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो से एक मैं सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं और जिसमें हम लोग 2019 मुख्य परीक्षा आईएएस यानी आईएएस की 2019 की मुख्य परीक्षा के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन सबको क्रमशः सॉल्व करेंगे और उसी अनुक्रम में सबसे पहले, चूंकि पहला प्रश्न पत्र निबंध का होता है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसे पर बातचीत करेंगे। आज अपने इस वीडियो में मैं उसी निबंध के, आप देख सकते हैं, पार्ट वन को लेकर के आया हूं। यानी आपके पास देखे क्या है कि आईएएस मेंस 2019 पेपर डिस्कशन ऐसे पार्ट वन, यानी पार्ट वन चार पार्ट में ऐसे होगा। और ऐसे ही करके मैंने जीएस पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और पेपर फोर के लिए लगातार रणनीति बनाई है। और इसके कारण से जो अपना तीन दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार हिंदी साहित्य चल रहा था और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार जो अपना मैगजीन चल रहा था, वो एक हफ्ते डिले होगा। उसको हम लोग पुनः, जब यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसके लिए 10 से अधिक लेक्चर की आवश्यकता नहीं है, तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर से हम हिंदी साहित्य और अपना मैगजीन वाला सेगमेंट प्रारंभ कर देंगे। इसलिए जो बच्चे हिंदी साहित्य देख रहे हैं या जो बच्चे पत्रिका देख रहे हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं समझना है कि कोई भी कोर्स हम कहीं पर रोकेंगे। हम कोई भी कोर्स प्रारंभ करेंगे तो उसे उसके अंत तक लेकर के जाएंगे। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर यूपीएससी का पेपर हो रहा है और आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो एक मेंटोर अगर आपको बहुत अच्छे से समझा दे कि जो भी जीएस का प्रश्न पत्र है या एसए का प्रश्न पत्र है, वहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका नेचर क्या है और उनके लिए कैसे बेहतर फॉर्मेट की जाए, तो मुझे लगता है कि इसके बाद फिर मैं चाहे हिंदी पढ़ाऊं, चाहे मैं जो है पत्रिका पढ़ाऊं, एथिक्स पढ़ाऊं, एसए पढ़ाऊं, कुछ भी पढ़ाऊं, तो आप और अच्छे से मेरे साथ कोरिलेट कर पाएंगे। तो ध्यान रखते हैं कि आज से अपना यह एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। डेली 2 बजे आप सब लोगों को मेरे साथ लाइव रहना है। पहला लेक्चर हमारा प्रीमियर हो रहा है, मंडे से लगातार हम लोग लाइव रहेंगे और इसमें क्रमशः यूपीएससी के सभी प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारा प्लस प्लेटफॉर्म, बताना आवश्यक है आप लोगों को कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो बच्चे अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज जो पत्रिका है पढ़ते हैं अक्रॉस इंडिया, तो उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो इसी प्लेटफॉर्म पर मैं मैक्सिमम कोर्स आहिस्ते आहिस्ते कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग यहां पर आकर कर मुझसे पढ़ सकते हैं। वैकल्पिक विषय जो है ऑप्शनल, मैं 1 अक्टूबर से यहां प्रारंभ कर रहा हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। इथिक्स मैं यहां पढ़ा रहा हूं, फिर से नया बैच हमारा प्रारंभ होगा, तो स्वाभाविक अगर आप इथिक्स ऐसे और ये सब पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आप आ सकते हैं। और 12 महीने यानी 1 वर्ष में मेरे कोड के साथ यानी इसके लाइव के साथ आप देखें 31,500 रुपये में आपकी पूरी कोचिंग कंप्लीट हो रही है। और 2 वर्ष का यही कोर्स इसके लाइव कोड के साथ आप देख सकते हैं कितने में कंप्लीट हो रहा है, 50,000 रुपये में। इसका मतलब है कि आपके पास एक बेहतर अवसर है, एक बेहतर विकल्प है कि आप इस कोर्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और आपको करना क्या है कि बस केवल आपको एडमिशन की प्रोसेस शुरू करनी है हमारे साथ यानी मेरे एसके लाइव कोड के साथ, और आप बेहतर ढंग से अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को एक अंजाम तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास पूरा का पूरा सेगमेंट 24 महीने का और पूरी प्रोसेसिंग है। आइए हम लोग अपनी बातचीत आरंभ करते हैं और बातचीत में हम लोग क्या प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हम पेपर एनालिसिस करते हैं और इस पेपर एनालिसिस के अनुक्रम में हम बहुत सी चीजें सीखेंगे। देखिए सेक्शन खंड है, जैसे निबंध का प्रश्न पत्र, पहला प्रश्न पत्र स्टार्ट हुआ, ये 250 अंकों का होता है और इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और आपको एक सेक्शन ए से करना होता है, एक सेक्शन बी से करना होता है। दोनों 125 अंक के 2 प्रश्न होते हैं और इनकी जो शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट जो होती है वो होती है कितनी, 1000 से 1200 वर्ड्स, कितनी 1200 शब्द होती है। अब आप देखें ये है इस पेपर का करेक्टर। अब आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि बेटा जो सामान्य अध्ययन होता है ना, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से निबंध की लेखन शैली अलग होती है।
ध्यान करिएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने सामान्य अध्ययन में आपको ये पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था, तो आपको निबंध आ जाएगा। आप स्वयं विचार करिएगा एक आधुनिक मानव की तरह, एक अच्छे युवा की तरह, कि जो तार्किक है कि अगर ये सामान्य अध्ययन की तरह होता तो ये जीएस के प्रश्न पत्र 1, 2, 3, 4 में ही कहीं एडजस्ट कर दिया जाता। इसका मतलब है कि निबंध लेखन क्या है, निबंध लेखन एक आर्ट है, इसको एक एक प्रकार का साहित्य में या इस विषय को कला के रूप में लिया जाता है, यानी निबंध का प्रस्तुतिकरण अलग होता है, ठीक है। इसमें एक भूमिका, उस भूमिका में निबंध की समस्त विषय वस्तु का समावेश किया जाता है, फिर उठाए गए समस्त विषय को क्या किया जाता है, क्रमवार बॉडी में, पैराग्राफ में प्रस्तुत किया जाता है, पुष्ट किया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, और फिर एक बढ़िया वर्तमान, अतीत, वर्तमान और भविष्य को समेटता हुआ एक निष्कर्ष लिखा जाता है। तो इसीलिए निबंध अलग है, इसलिए आप कभी भी किसी से इस बात पे बिल्कुल सहमत ना हो कि मैंने जीएस में ये पढ़ाया तो आप निबंध कर लेंगे, नहीं। हाँ ठीक है, जीएस से आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे मैं रोज द हिंदू के सेशन में या अपनी मैगजीन के सेशन में बताता रहता हूँ इसका यहाँ यूज, इसका यहाँ यूज, लेकिन निबंध कला शैली बिल्कुल अलग है। तो आइए हम लोग देखें कि इस पृष्ठभूमि में, यानी सामान्य अध्ययन से निबंध लेखन अलग है, जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा यह 250 नंबर कहीं कहीं हमारी गिरफ्त में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करते हैं। आप देखें और आप लोग विचार करिएगा कि जितना आप इतिहास, भूगोल और सब पढ़ते हैं, क्या आप निबंध पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक कहीं कहीं विचार करिएगा रणनीति के मिस्टेक की। देखिए पहला निबंध था, इस खंड से आपको एक चूज करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक आपको चूज करना है, विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड्स ट्रूथ, यानी पहला निबंध ये हो गया। दूसरा हो गया, मूल्य वे नहीं जो मानवता है बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए, यानी मूल्यों पर प्रश्न आया। वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी, यानी मानवता को कैसा होना चाहिए। तीसरा है, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी हो, यानी व्यक्तिगत और समाज के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बातचीत है। फिर चौथा क्या है, स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र है, यानी सफलता अगर प्राप्त करनी है तो स्वीकारोक्ति का साथ एवं सुधार करने की निष्ठा, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूव आर टू कीज टू सक्सेस। ये देखिए चार निबंध आ गए, इन्हीं को मुखर्जी नगर दिल्ली में ये कहा जाता है, क्योंकि मैं यहीं हूँ, 10 साल मैंने तैयारी करी है और अब मैं 7 वर्षों से अध्यापन कर रहा हूँ, मेरा अपना खुद का संस्थान है IAS का। यहाँ ये कहा जाता है कि ये दार्शनिक होते हैं, इनके चक्कर में कम पढ़ना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास च्वाइस है, कोई बचने की कोई च्वाइस है? जो सीनियर बच्चे होंगे मुखर्जी नगर के, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये कहा जाता है कि इसको पढ़ना नहीं है, ये अमूर्त विषय होते हैं, दार्शनिक विषय होते हैं। आज मैं प्रूफ करूंगा ये ना तो दार्शनिक विषय है ना अमूर्त विषय। हाँ, किसी दार्शनिक के, किसी मॉरल फिलोसफर्स के, किसी महान शासक के, नेता के, प्रशासक के ये कोड हो सकते हैं, यानी उनके जीवन दर्शन का एक हिस्सा हो सकता है, उनका मूल्य हो सकता है, पर ये कोई अमूर्त विषय, कोई दार्शनिक विषय नहीं है। प्रूफ करेंगे अभी हम लोग। तो प्लीज अब आप मुझे बताएं कि जो लोग अमूर्त मान के इन विषयों पर अलग से पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या इन चारों में से उनके पास चूज करना एक आसान विकल्प है? चारों में कहीं कहीं आपको आपकी थॉट प्रोसेसिंग की चेकिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, और ध्यान रखिएगा, ये सामान्य अध्ययन में 150 शब्दों में, 200 शब्दों में जो क्वेश्चन आंसर होता है वो हमसे बन नहीं पाता है, तो आप सोचिए 1000 से 1200 शब्दों में आपको पूरा क्रमबद्धता, तथ्यगत सुसंगतता, विश्लेषण कौशल, उदाहरणों के साथ पुष्टि, उसमें इनोवेशन डालना, ये सब आपको एक साथ करते हुए चलना है। आप सोचिए कि बगैर इसकी अलग से तैयारी के किस प्रकार से आप अपने आप को खड़ा कर पाएंगे। आज इन सब बिंदुओं पर विचार करिएगा, और इसके बाद अगले 3 लेक्चर इसके और होंगे ऐसे के, तो आप इसमें यही सारी बातें आप विचार करते रहिएगा। सहमति और असहमति आपके ऊपर है, मेरी बात बिल्कुल मत मानिएगा, मैंने पहले ही कहा आधुनिक यूथ की तरह आप चिंतन करिए, ठीक है। ये हो गए 4। अब देखिए सेक्शन बी में आया है, इस सेक्शन में कुछ निबंध ऐसे हैं जो आप क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे अब देखिए, दक्षिण एशियाई समाज सत्ता के आसपास नहीं बल्कि अपनी अनेक संस्कृतियों और विभिन्न पहचानों के ताने बाने से बने हैं, ठीक है। साउथ एशियन सोसाइटीज आर वोवन नॉट टू अराउंड द स्टेट बट अराउंड देयर प्लूरल कल्चर्स एंड प्लूरल आइडेंटिटीज।
फिर इसके बाद अगला क्या, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। अब आप देखो, आपको थोड़ा लग सकता है कि इजी इसे मैं कर लूंगा या कर लूंगी। नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजन फॉर इट्स बैकवर्डनेस। फिर अगला तीसरा क्या है, पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा, यानी मीडिया की जो पक्षपातीयता है, बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। और फिर इसके बाद अगला क्या है, चौथा, कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उत्थान भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल, यानी खतरा है या पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन का अवसर। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 8 निबंध हैं जो आए हुए हैं। तो अब मैं इन सब पर थोड़ी थोड़ी बात ना करके एक निबंध, यानी मैंने पहले ही बताया कि आज से अपनी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, लगातार ये चलेगी, आप लोग फॉलो करिए। तो आज हम सबसे पहले सीखते हैं कि डिमांड और सप्लाई निबंध की क्या होती है, और उस सीरीज में आज हम पहला निबंध यहां पर आप लोगों के लिए उठा रहे हैं। पहला निबंध क्या है, विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड्स द ट्रूथ। आइए देखें यह निबंध किस प्रकार से हल किया जाए, उसके लिए क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। इतना ही नहीं, भूमिका कैसे लिखते हैं वो भी सिखाऊंगा, फिर इसके बाद निबंध की बॉडी कैसे एलोबरेट करते हैं वो भी सिखाऊंगा, और निष्कर्ष कैसे लिखते हैं वो भी सिखाऊंगा। और ये लगातार 8 निबंधों में होगा, जिसके लिए मैंने 4 लेक्चर निर्धारित किया है। आज ये हमारा पहला लेक्चर है, ध्यान करें। अब देखिए, विवेक सत्य को खोज निकालता है निबंध हमारा स्टार्ट हुआ, विजडम फाइंड्स ट्रूथ। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है, जैसे ही आप निबंध की तैयारी करते हैं, मान लीजिए मैं तो पेपर सॉल्व कर रहा हूं, तो सबसे पहली चीज आपकी नीड होती है डिमांड को समझना, यानी डिमांड क्या है। तो इस निबंध की डिमांड आपको निकालना होता है। इसे एक आम बोलचाल की भाषा में, ऑफलाइन क्लास में हम लोग कहते हैं कि निबंध का स्ट्रक्चर बनाना या निबंध की संरचना बनाना। तो अब आप देखें डिमांड क्या बेटा, सबसे पहले आपको यह जानना है, देखिए क्या जानना है, विवेक, यानी विवेक का अर्थ क्या है। दूसरी चीज आपको क्या जाना भाई, सत्य शब्द आया है तो सत्य से तात्पर्य क्या है। जब तक इन दोनों का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक हम निबंध के मर्म को समझ नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, तीसरा क्या करा कि भाई अब विवेक और आपको पता हो गया, सत्य भी आपको पता हो गया, फिर क्या करा, अब ये जो विवेक है ये सत्य को खोज निकालता है। यानी तीसरा क्या है कि विवेक द्वारा सत्य को खोज निकालने का निहितार्थ, यानी इसका मतलब क्या है। और फिर चौथा, विवेकवान व्यक्ति के गुण क्या क्या होते हैं कि जो वह क्या करता है कि सत्य को खोज निकालता है। यानी यहां पर पर्सनालिटीज पर बातचीत होगी कि कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज रही हैं, वो चाहे विचारक रहे हो, चाहे सुधारक रहे हो, चाहे नेता रहे हो, चाहे ऐतिहासिक रूप से शासक रहे हो, तो उन लोगों ने किस प्रकार से अपने विवेक से क्या किया, व्यवस्था में परिवर्तन लाया और सत्य को खोज निकाला। इसका मतलब क्या हो गया, अमूर्त विषय नहीं है ना, सारे उदाहरण मैंने कहां से उठा रहे हैं, दार्शनिक एवं विचारकों के स्टेटमेंट से, उन्होंने अपने जीवन में उसका कैसे उपयोग किया, या जो हमारे प्रशासक सुधारक नेता होते हैं इनका जीवन, और इन्होंने कैसे विवेक के माध्यम से सत्य को खोज निकाला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यह व्यवस्था का प्रश्न है, कोई सूक्तियां हो सकती हैं, लेकिन सूक्तियां जीवन के अनुभव होते हैं, और जीवन का मतलब होता है यह व्यवस्था, यानी व्यक्ति से बनता है, समाज से बनता है, अर्थ से बनता है, राजनीति से बनता है, धर्म से बनता है, संस्कृति से बनता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से बनता है, प्रौद्योगिकी जो है और जो तकनीकी उससे बनता है, और इसके बाद पर्यावरण, ये पहलू और ना जाने क्या क्या जो व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी निबंध अमूर्त नहीं होता, एक गलत धारणा है ये। अब हम जो नए युवा हैं इनको बदलना होगा कि UPSC कोई अमूर्त विषय नहीं पूछता। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप खुद विचार करिए कि आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाएगा जो अमूर्त हो, नहीं। ये सूक्तियां हैं जीवन से संबंधित किसी फिलोसफर्स के, किसी विचारक के, किसी के, जिनका व्यवहारिक रूप आपको कॉपी में खींचना होता है, जिससे परीक्षक ये भांप सके कि ये स्टूडेंट जबरदस्त है, यानी ये किसी के विचारों को व्यवस्था में कैसे इंप्लीमेंट करेगा, इसके बारे में इसका विजन क्लियर है, ध्यान करिएगा। और ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ, पिछले 7 वर्षों से मैं लगातार मुखर्जी नगर में यह विषय एक अभियान की तरह चला रहा हूँ, वर्ष लगातार ये बैच मेरा चलता रहता है, चाहे 2 बच्चा हो, चाहे 5, चाहे 50। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, डिमांड हमारी समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए हम सप्लाई तैयार करते हैं। सप्लाई का मतलब होता है, सबसे पहली चीज आपने क्या निकाली, विवेक। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई विवेक का अर्थ क्या है। विवेक का अर्थ क्या होता है, सद्गुण। विवेक क्या है, विवेक एक सद्गुण है। सद्गुण का मतलब एक ऐसा गुण
जो सतत अभ्यास से आता है, उत्कृष्ट गुण होते हैं मानव के, ये अपने आप ऐसे जनरेट नहीं हो जाता। तभी आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बड़ा विवेकवान मनुष्य है। यानी कि विवेकवान का मतलब क्या हो गया, देख लीजिए अब यहां आया कि इसे सत्य असत्य, शुभ अशुभ, उचित अनुचित का अंतर पता है। यानी विवेकवान का मतलब देखिए अपने आप निकल के आ रहा है कि इसे सत्य और असत्य का पता है। इसका मतलब है कि विवेकवान व्यक्ति अगर होगा तो वो सत्य को खोज निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसको असत्य का भी पता है, यानी उसे पता है कि क्या बुरा है, क्या अशुभ है और क्या अनुचित है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आया। तो इसका मतलब विवेक क्या होता है, सद्गुण को धारण करता है और सत्य असत्य का क्या करता है, तर्क संगत परीक्षण करता है। और जो सत्य असत्य में तर्क संगत परीक्षण करता है तो क्या होता है, वह विवेकवान होता है और वही विवेकवान सत्य को खोज निकालता है। यहां तक उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। और इसके बाद देखिए अब अगली चीज क्या थी, दूसरी डिमांड क्या थी, ये देखिए सत्य से क्या तात्पर्य है। तो अब देखिए सत्य से क्या तात्पर्य है आपके सामने है। सत्य से तात्पर्य वास्तविकता, यथार्थ, सच्चाई या फैक्ट या तथ्य। यानी सत्य वह है जो तथ्य या वास्तविकता से पुष्ट होता है। यानी सत्य क्या है, जिसके लिए प्रमाण आवश्यक है, यानी जिसे हम प्रमाणों के द्वारा क्या कर सकते हैं, सही सिद्ध कर सकते हैं। अब आप देखें तीसरा खंड, यानी तीसरी चीज हमने क्या बात किया था कि विवेक द्वारा सत्य को खोज निकालने के निहितार्थ। अब आइए देखिए विवेक द्वारा सत्य को खोज निकालने के निहितार्थ, इसका मतलब क्या है। अब विवेक द्वारा सत्य को खोज निकालने के निहितार्थ का अब प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले देखिए सत्य पर हम विचारकों के पहले दृष्टिकोण देखेंगे। यानी सत्य पर विचारकों का जो दृष्टिकोण है उसी के आधार पर हम इन्हीं विचारकों के जीवन संदर्भों को लेकर के बताएंगे कि ये जो विचारक थे जिन्होंने सत्य के संदर्भ में अमुक अमुक बात कही, अमुक अमुक सिद्धांत दिया, तो इन्होंने केवल दिया नहीं, यह जो सत्य इनको जो ज्ञान हुआ है वह इसलिए हुआ चूंकि ये विवेकवान थे, ये सही और गलत, उचित और अनुचित, शुभ और अशुभ के मध्य अंतर कर पाने में सक्षम थे। तो अब आप देखिए व्यवहारिक हो गया ये प्रश्न। तो क्या कह रहा है कि सत्य पर विचार को, जैसे महात्मा बुद्ध, इन्होंने क्या कहा, पंच महाव्रत में सत्य को इन्होंने सर्व महत्वपूर्ण माना। यानी आप देखेंगे इसी से आरंभ ही होता है, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह। तो सत्य क्या है, यानी कि इनको पता था कि हमें क्या करना है, सत्य। तो ये कैसे सत्य तक पहुंचे, चूंकि ये इनके अंदर विवेक था। इन्होंने जब जीवन के संबंध में जो घटनाएं थी इनके जीवन में बदलाव लाने वाली, यानी किसी वृद्ध व्यक्ति को देखना, बीमार व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखना और फिर एक प्रसन्नचित्त सन्यासी व्यक्ति को देखना, तो अब क्या हुआ, इनको जीवन के सत्य का ज्ञान हुआ। लेकिन कैसे हुआ, चूंकि विवेकवान थे ना। बहुत से लोग भी रहे होंगे जो इसी प्रकार की घटना को रोज देखते रहे होंगे, इनके आसपास इनके माता पिता भी रहे होंगे, इनके भाई रहे होंगे, इनकी इनके इर्द गिर्द के इनके मित्र रहे होंगे या इनके समाज के और लोग। लेकिन इन्हीं को इस सत्य का ज्ञान कैसे हुआ कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, तो इसका मतलब इन ये विवेकवान थे। यानी विवेकी व्यक्ति जो होता है, जो सही और गलत के मध्य अंतर कर पाने में सक्षम होता है, वही सत्य को खोज निकालता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध कहां पहुंचे, सत्य तक पहुंचे। इसीलिए महात्मा गांधी पुस्तक ही लिख देते हैं सत्य के मेरे प्रयोग, क्योंकि वो विवेकवान थे और उन्होंने सत्य पर अपने प्रयोगों को उन्होंने जो पुस्तक का रूप दिया, जिससे हम और आप पीढ़ी दर पीढ़ी उससे क्या कर सके, उससे कहीं ना कहीं अपना जुड़ाव महसूस कर सके और फिर उसके बाद या उससे सीख सके। और इनका आदर्श था सत्याग्रह, नहीं सत्य पर आग्रह। तो सत्य पर आग्रह क्यों, क्योंकि गांधी जी का पूरा आप जीवन देखें, अभी आगे सब विस्तार से है कि आप उनका पूरा जीवन अगर देखें, चाहे अफ्रीका में रहो चाहे हिंदुस्तान में रहो, उनके जीवन का आधार ही था सत्य पर आग्रह। यानी अगर उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन में अहिंसा ही उसका उस आंदोलन की कार्यशैली का आधार होगा, अहिंसा के आधार पर ही हमें राष्ट्रीय आंदोलन के इस पावन पर्व को आगे बढ़ाना है, तो जैसे ही चौरी चौरा की घटना हुई उन्होंने क्या किया, वहां हिंसा हुई और उसके बाद उन्होंने बिना समय गंवाए आंदोलन वापस ले लिया। क्यों, क्योंकि विवेकवान थे, उन्हें पता था कि सत्य के प्रयोग से उनके दिमाग में ये बात थी कि अगर इस टाइम पे अभी अखिल भारतीय रूप से लोगों की चेतना जागृत हो रही है, ऐसे में अगर अभी ब्रिटिशर्स इसी का बहाना लेकर के और सख्त रूप से पुलिस कार्रवाई कर देंगे तो आने वाले लंबे समय तक जनता का मनोबल टूट जाएगा। इसका मतलब एक विवेकवान व्यक्ति सत्य और असत्य के मध्य को बेहतर ढंग से जानता है और उन्होंने सत्य को खोज निकाला, यानी इसी जो है मूल्य के आधार पर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। 2 अक्टूबर को हम पढ़ते हैं, आने वाला है, साबरमती के संत तूने
कर दिया कमाल। तो वाई? क्योंकि वो विवेकवान थे, उन्हें सत्य पता था कि अहिंसा और हिंसा में हमें किसका रास्ता चुनना है। तो प्लीज बच्चों ऐसे ही आपको विचार करना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए व्यक्तिगत जीवन के कुछ उदाहरण हैं विवेक। अब चौथी ये आपको समझ में आ गया होगा कि विवेक द्वारा सत्य को खोज निकालने के निहितार्थ, यानी तीसरा पॉइंट हमने किया जो हमने डिमांड में बनाया था। अब आइए देखिए डिमांड का चौथा पॉइंट कि विवेक सत्य को कैसे परिणति तक ले जाता है, यानी चौथी चीज हमें, अभी हम केवल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, निबंध आगे करेंगे। उदाहरण देखिए आप व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण, विचारक एवं दार्शनिकों का मैंने लिया है जिससे आप यह बता सकें कि विवेक सत्य को कैसे परिणति तक ले जाता है। तो जैसे सुकरात का जीवन प्रसंग है, अरस्तु की नागरिक विभाजन अवधारणा, अभी आगे मैं निबंध में इन सब पे विस्तार से बातचीत करूंगा। आप देखें पहले डिमांड कैसे बनाई जाती है, यानी कि विचारक एवं दार्शनिकों के व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण, महात्मा बुद्ध का जीवन प्रसंग एवं ज्ञान प्राप्ति और उसका सामाजिक लाभ या उसकी प्रासंगिकता, गांधी का कार्य क्षेत्र अफ्रीका व भारत, इमैनुअल कांट एवं कबीर। तो इन सब विचारकों एवं दार्शनिकों के व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण बताते हैं कि अगर विवेक है तो वह सत्य को परिणति तक लेके जाता ही जाता है। अभी हम लोग इसको सीखेंगे। फिर विवेक सत्य को कैसे परिणति तक ले जाता है, केवल विचारक सुधारक नेता प्रशासक ही नहीं, आप इसमें क्या लेके आएंगे, ऐतिहासिक शासकों को भी लेकर के आएंगे। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम चक्रवर्ती कल्याणकारी राजवंश की स्थापना, अशोक का धम्म, रजिया द्वारा मध्यकालीन की शासिका, दिल्ली की जनता से न्याय मांगना, यह भी विवेक था, तभी वो सत्य यानी दिल्ली सल्तनत की सत्ता जो वास्तविक उत्तराधिकारी थी उसे मिल पाया। अकबर का सुलह कुल या दीन इलाही, राजा राम मोहन राय का सती प्रथा, विवेकानंद का मानववाद, अब्राहम लिंकन का दास प्रथा उन्मूलन, नेल्सन मंडेला का दक्षिण अफ्रीका निर्जातीय समामेलन। हो सकता है इसमें कुछ घटनाएं आपको ना पता हो, आगे मैं विस्तार से उसके बारे में पूरी बातचीत करूंगा। ये होता है आपका, देख सकते हैं किस प्रकार से आपको निबंध को ओपन करना होता है। तो चारों आपने डिमांड बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद, इसके अलावा यानी दो उदाहरण कौन कौन से हुए, फिर से मैं रिवीजन करा दूं, व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण आपने लिया, अब इसके बाद हम आगे क्या ले रहे हैं, विवेक सत्य को कैसे परिणति तक। तो ऐतिहासिक शासकों के भी हमने उदाहरण और आज तक के शासकों के हमने उदाहरण लिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। और फिर इसके बाद क्या है, व्यवस्था के संदर्भ में, यानी व्यवस्था के संदर्भ में भी अगर विवेक है तो क्या करता है, व्यवस्था का जो सत्य है उसको परिणति तक ले जाता है। एक उदाहरण से बताऊं, जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान के आदर्श क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को विचार विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराना और सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय भी। तो अब स्वाभाविक अगर शासक क्या होगा, विवेकवान होगा, तो संविधान की प्रस्तावना के में जो संविधान के आदर्श दिए गए उस सत्य को, वो तो सत्य है, तो उसे परिणति तक लेके जाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को विचार विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता वास्तविक रूप से मिलेगी और उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित होगा। तो ऐसे आपको विचार करना। अब आप देखें व्यवस्था के संदर्भ में, तो पहला क्या है, सामाजिक धार्मिक संदर्भ, फिर क्या है आर्थिक संदर्भ, फिर क्या है पर्यावरणीय संदर्भ, आप देख सकते हैं और आगे और भी। यानी कहने का मतलब है कि व्यवस्था के संदर्भ में अगर आपके पास विवेक है तो सत्य क्या है, सत्य होता है कि सामाजिक एवं धार्मिक स्तर पर हम देखें तो सामाजिक समरसता, ये एक सत्य है कि समाज में हमें समरस भाव से रहना चाहिए। पर दिक्कत क्या है, जातिगत भेदभाव है, लिंगत भेदभाव है, असमानता एवं विषमता है, धर्मगत कट्टरता है। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर अगर इस प्रकार की चीजें हैं जो समाज में समरसता को खंडित करती हैं, तो स्वाभाविक है कि जो हम सामाजिक मानव हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है ना कहा जाता है, तो इसका मतलब कि हम विवेक हमारा जो है कमजोर पड़ रहा है, जिससे हम सत्य यानी सामाजिक समरसता को परिणति तक ले नहीं जा पा रहे। तो ऐसे ही आपको यहां पर समझाया गया। फिर आर्थिक संदर्भ में सत्य क्या है भाई, आर्थिक संदर्भ में सत्य है कि समृद्धि होनी चाहिए, विकास होना चाहिए और इस विकास का सब में बंटवारा होना चाहिए, यानी बीकर सेक्शन से लेकर के एससी एसटी वृद्ध विकलांग बच्चे सभी में। अब देखिए आएगा कैसे, ये तो आएगा तभी जब विवेक से, यानी समाज में जो मान लीजिए कारपोरेट घराने हैं या जो निजी क्षेत्र के बड़े बड़े जो है व्यवसायी हैं या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में हम और आप जैसे
मान लीजिए कि आप हैं, आप अधिकारी हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि ये समृद्धि, विकास और समावेशन को विवेकवान ढंग से जो समाज के हाशिए पर खड़े व्यक्ति हैं उन तक लेकर के जाना पड़ेगा। इसको भी हम व्यवस्था के संदर्भ में विवेक सत्य को कैसे प्रणति तक ले जा सकता है इस रेफरेंस में देख सकते हैं। ध्यान करिएगा, आईएएस का एग्जाम है तो कोई दार्शनिक विषय नहीं होता है, नंबर उठेगा नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है मेरे यहाँ बच्चों, आप विश्वास करिएगा, जो बच्चे पढ़ रहे 130 40 50 60 170 तक नंबर आए, सारा रिकॉर्ड मेरे पास रखा हुआ, तो आप 164 तक नंबर आए, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बताया जा रहा है ये पैटर्न एकदम प्रासंगिक है। मैंने भी अपने सारे अटेम्प्ट में ऐसा ही किया और हमेशा अच्छा नंबर पाया, ठीक है। और मुखर्जी नगर में मैंने अपना करियर ही निबंध विषय से प्रारंभ किया, 2013 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं। पर्यावरणीय संदर्भ में सत्य क्या है कि जलवायु परिवर्तन का संकट है, जैव विविधता का संकट है। अब इसका समाधान कैसे होगा? विवेक से, यानी विवेक उस सत्य तक लेकर के जाएगा कि लोग जानेंगे कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं कहीं वो चेहरा देख के नहीं आएगा, वो जो है कॉन्टिनेंट या महाद्वीप देख के नहीं आएगा, वह कोई भी ऐसी चीज देख के नहीं आएगा, वो आएगा एक समान भाव से, और ना विकसित ना विकासशील और ना अल्पविकसित, वो सबको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका मतलब है अगर विवेकवान नेतृत्व है तो स्वाभाविक है सत्य यानी पर्यावरण के संरक्षण को प्रणति तक ले जाएगा और ट्रंप की तरह पेरिस जलवायु सम्मेलन से बाहर नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। व्यवस्था के संदर्भ में कुछ अन्य पॉइंट, यानी अगर हम प्रौद्योगिकी संदर्भ को लें तो सत्य क्या है, प्रौद्योगिकी विकास का कुछ ही हाथों में संकेंद्रण हो गया है, यानी एक बहुत बड़ी आबादी से वंचित है। आप प्राथमिक शिक्षा को याद करिए कि हमारी प्राथमिक शिक्षा विशेषकर सरकारी स्कूलों में कैसी है, तो क्या वहां पर पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी प्रौद्योगिकी तकनीकी के लाभ वाले हिस्से में आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। तो स्वाभाविक है इसका मतलब कि प्रौद्योगिकी को संभालने वाले लोग जो हैं इस तथ्य को, इस सत्य को भांप नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वो विवेकवान नहीं है। तो समाधान क्या है? विवेक, यानी कि अगर विवेकवान लोगों के हाथ में प्रौद्योगिकी नेतृत्व आए तो वह प्रौद्योगिकी के लाभ को सभी तक पहुंचाने के सत्य को प्रणति तक ले जा सकेंगे। इसके बाद क्या, देखिए अंतरराष्ट्रीय संदर्भ आपके पास है तो अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में आप देखें सत्य क्या है कि WTO UN में जो संकट चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, संरक्षणवाद चल रहा है, मुद्रा चालबाजी चल रही है, अब आप देखें ये सब क्या है, यानी कहीं कहीं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर अपनी नीतियों को थोपा जा रहा है। समाधान क्या? विवेक, यानी अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, अगर वो विवेक से काम लेंगे तो सत्य क्या है, सत्य क्या है कि पूरे विश्व में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, जबकि अब भौगोलिक सीमाएं बाधा नहीं रह गई हैं, तो मुक्त व्यापार आगे बढ़े जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार के जो अनैतिक या गैर कानूनी ढंग से सीमाओं में बैरियर ना खड़ा करे। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विवेक अगर है तो वह सत्य को प्रणति तक ले जाएगा और इस प्रकार की घटनाओं पर नियंत्रण लगेगा। कुछ अन्य संदर्भ हैं जैसे शरणार्थी समस्या है, यमन संकट चल रहा है, गुड गवर्नेंस की बात है, सतत विकास है, जैव विविधता का संरक्षण, आतंकवाद, इन सभी स्तरों पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार से विचार करना पड़ेगा। अब आइए देखिए कि केवल इतना ही नहीं, यानी मैंने पहले पूरी डिमांड स्ट्रक्चर बनाया है, आप कई बार इसको देखेंगे बार बार वीडियोस तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और 250 नंबर का है तो आपको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिएगा। आइए देखिए भूमिका मैंने लिखी, यानी केवल आपको जैसे होता है अमूमन लोग बता देते हैं ये कर लीजिए वो कर लीजिए, मैंने ये पढ़ाया था वो पढ़ाया था, मेरी क्लास में ना मुखर्जी नगर में ना कहीं, मैं जवाबदेही के साथ की पूरा कंटेंट आपको कराता हूं। देख सकते हैं आप भूमिका क्या है, 110 120 शब्द। भूमिका कैसे लिखते हैं, निबंध की आत्मा होती है भूमिका। 10th क्लास को याद कीजिए, क्या हमें नहीं सिखाया गया 10th क्लास में पढ़ते समय कि निबंध की जो भूमिका, जो इंट्रोडक्शन होता है वो निबंध का मुकुट होता है, यानी मुकुट का मतलब कि बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत का मतलब कि विषय वस्तु में जो भी बातें हैं पहले भूमिका में बता दो और फिर भूमिका में जो बातें आपने उठाई है उसको क्रमशः बॉडी में प्रस्तुत कर दो। तो आइए देखें, विवेक एक सद्गुण है जो सत्य असत्य शुभ अशुभ उचित अनुचित का तर्क संगत परीक्षण करना सिखाता है। जो पीछे डायग्राम है उसी को यहां पर मैं भाषा का रूप दे रहा हूं। वही सत्य वह है जो तथ्य या वास्तविकता से पुष्ट होता है। विवेक द्वारा सत्य की खोज निकालने के संदर्भ महात्मा बुद्ध से महात्मा गांधी, सुकरात, प्लेटो, इमैनुअल कांट, कबीर जैसे
प्रवृत्त विद्वानों की शिक्षाओं एवं जीवन प्रसंगों में तथा उनके व्यवस्था विमर्श में ढूंढे जा सकते हैं। इसे हम ऐतिहासिक शासकों चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अकबर, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला के कार्यक्षेत्र तथा समाज सुधारकों राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग के सुधार विचारों में भी ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार यदि व्यवस्था के विभिन्न आयामों सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, प्रौद्योगिकीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा कुछ अन्य पक्षों का समग्र अनुशीलन करें तो हम एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। देखिए ये होता है निबंध की इंटरलिंकिंग क्वालिटी। निबंध मैंने स्टार्ट किया और अंत में देखिए निबंध को ही मैंने यहाँ पर एक पंक्ति के माध्यम से लगा दिया। इससे परीक्षक बहुत खुश होता है कि इसका मतलब आपकी लेखन शैली बहुत स्ट्रांग है और ये निरंतर अभ्यास से आती है, ध्यान रखिएगा। तो अब आपके सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। निबंध का शरीर यानी कि दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है निबंध का शरीर, आइए देखें कि विवेक द्वारा और लिखते कैसे हैं बॉडी में, देखिए आइए देखें। यानी जो लैंग्वेज होती है ऐसे आत्मीयता वाली होती, सामान्य अध्ययन की तरह नहीं कि पॉइंट लिखा एग्जाम्पल लिखा, पॉइंट लिखा एग्जाम्पल, नो, एकदम पूरा टच करता है। आइए देखें, यानी पहला पैराग्राफ होगा ये, फर्स्ट पैराग्राफ भूमिका के बाद, जो भूमिका में आपने विषय उठाए, आइए देखें कि विवेक द्वारा सत्य को खोज निकालने के विचारकों एवं महान नेताओं के दृष्टिकोण क्या रहे। देखिएगा मैंने कहीं क्रमबद्धता नहीं तोड़ी है, यानी कि जो डिमांड में पॉइंट उठाए गए उसी के हिसाब से यहां पर सप्लाई क्रिएट की गई है। अब देखिए कहां तक यह लक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं, अब उसमें देखिए व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण, विचारक एवं दार्शनिक। तो स्वाभाविक है 40 मिनट के लेक्चर में अब आप देखें, यानी व्यक्तिगत जीवन, यानी कि अब इस निबंध के शरीर में जो वहां पे आपने स्ट्रक्चर खोजा था वो, यानी पहले जो ये आपने बताया कि विचारकों एवं महान नेताओं के दृष्टिकोण क्या रहे, तो आइए देखिए उसी को यहां पर बताया कि भाई सुकरात का जीवन प्रसंग। तो सुकरात का जीवन प्रसंग मैं बताता हूं, आप उसको शब्दों में लिखिएगा। यहां पर मैंने पॉइंट बना दिया, आपको शब्दों में लिखना, एक दो उदाहरण से मैं सिखा देता हूं। यानी सुकरात को एथेंस के युवाओं को जो है गलत रास्ते पर ले जाने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन शासन सत्ता ने मृत्युदंड दिया। जेल में थे तो क्या हुआ कि इनके मित्रों ने इनको बचाने की पूरी प्लानिंग कर ली और सुरंग वगैरह खोद दी गई, और जिस दिन इनको फांसी होनी थी उस दिन इनसे कहा गया कि आप चले जाइए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं गया तो मैं एथेंस में नागरिकों के समक्ष राज्य का जो कानून होता है उसका तिरस्कार करने का आदति बना दूंगा। यानी इनका विवेक था, क्या था? विवेक था। और सत्य की खोज क्या थी कि राज्य तो हमेशा रहेगा, मानव स्वाभाविक है उसकी मृत्यु होनी है क्योंकि मानव का शरीर मिट्टी का है। तो इसका मतलब क्या है कि मानव की मृत्यु होनी, राज्य हमेशा रहेगा, तो ऐसे में अगर मैं विष का प्याला पी लेता हूं तो राज्य को यह एहसास होगा आगे चल करके कि उससे गलती हुई है, और वह एथेंस के कानूनों में व्यापक बदलाव करेगा जिससे कि कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यवस्था की स्थापना होगी भविष्य के लिए। तो उन्होंने देखिए अपने विवेक से सत्य को खोज निकाला और उनकी मृत्यु के बाद एथेंस में बेहतर कानून और प्रशासन की व्यवस्था की स्थापना हुई। तो आप देख सकते हैं विवेकवान व्यक्ति। अरस्तु की नागरिक विभाजन की अवधारणा, अरस्तु ने कहा कि भाई जैसे इन्होंने तीन वर्गों में नागरिकों को बांटा, प्रथम वर्ग, सेकंड वर्ग और थर्ड वर्ग। प्रथम में इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को रखा, जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं। तो उन्होंने कहा एक प्रशासनिक अधिकारी को क्या होना चाहिए? विवेकवान होना चाहिए, क्योंकि अगर वह विवेकवान नहीं होगा तो क्या करेगा कि वह सत्य असत्य के मध्य में, उचित अनुचित के मध्य में अंतर नहीं कर पाएगा, और उसके कारण वो क्या करेगा कि वह करप्शन कर सकता है, गुड गवर्नेंस के आदर्शों से पीछे हट सकता है। तो स्वाभाविक है अरस्तु की नागरिक विभाजन की अवधारणा। महात्मा बुद्ध का जीवन प्रसंग एवं ज्ञान प्राप्ति और उनका सामाजिक लाभ, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था। गांधी का कार्यक्षेत्र अफ्रीका और भारत, मैंने असहयोग आंदोलन का उदाहरण बताया, वही आपको लिखना है। इमैनुअल कांट एवं कबीर, यानी आप देखेंगे कि विवेक द्वारा सत्य की खोज, कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का जो है आदर्श दिया, लेकिन थोड़े समय के बाद क्योंकि विवेकवान थे, यानी सत्य और असत्य और जो भी उचित होता है उसके बारे में उनका विवेक काम करता था, थोड़े समय के बाद लगा कि यार ये जो हमारा मत है वो थोड़ा कठोर है, तो उन्होंने क्या कह दिया आम जनता के लिए, भाई ठीक है अगर आप साधना नहीं कर सकते हैं, कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकते हैं, तो आप ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो इसका मतलब है कि विवेकवान सत्य तक, यानी कि ढाई आकर प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग उन्होंने
बता दिया। यह है विवेकवान व्यक्ति, सत्य को परिणति तक ले जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इमैनुअल कांट जो पश्चिमी विचारक हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया कर्तव्य के लिए कर्तव्य का। इनका जो नैतिक दर्शन है बुद्धिवाद के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, और ये कहा कि अगर आप कोई कर्तव्य करते हैं तो बिल्कुल सोचिए ही नहीं कि आपके कर्तव्य से किसी को लाभ हो रहा है या किसी को हानि हो रही, बस आप केवल कर्तव्य के लिए कर्तव्य करिए। अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा कठोर हो गया, चूंकि आप कोई भी काम करेंगे तो किसी न किसी के बारे में तो मन में आ ही जाएगा कि मेरे इस काम से इनको ये फायदा होगा या मुझे एक्स फायदा होगा। तो अब समय रहते इनको भी एहसास हुआ, तो इन्होंने 5 सूत्र बनाए, कांड के 5 सूत्र। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी क्या किया, विवेक के आधार पर अपने सिद्धांतों को समयबद्ध रूप से ढाला कि जिससे कि लोग सत्य तक पहुंच सकें, यानी मानवतावाद के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यह इनका सिद्धांत था। इसी अनुक्रम में देखिए, फिर अब देखिए एक पूरा पैराग्राफ इसको चेंज करते हुए, अब देखिए दूसरा जो आप विषय उठा रहे, इसी अनुक्रम में हमें कुछ और संदर्भों से विषय का परीक्षण करना होगा। इस दृष्टि से आइए कुछ ऐतिहासिक शासकों के उदाहरण देखते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके लिए पूरा जबरदस्त रूप से यहां बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है कि भाषा कैसी होनी चाहिए निबंध की, सामान्य अध्ययन की तरह नहीं, आत्मीयता वाली। आइए, यानी परीक्षक को जोड़ लेना है अपने साथ जिससे वो इमोशनल होकर के बहुत नंबर आपको प्रदान कर दे। अब ऐतिहासिक शासकों का उदाहरण है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम चक्रवर्ती कल्याणकारी राजवंश की स्थापना करना, अशोक का धम्म, रजिया द्वारा दिल्ली की जनता से न्याय, अकबर, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद का मानववाद, अब्राहम लिंकन का दास प्रथा, नेल्सन मंडेला का उदाहरण। ये सब आप क्या करेंगे एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हुए अपनी बात को कंप्लीट करेंगे कि इन सभी ने अपने जीवन काल में अपने प्रशासन में क्या किया, विवेक के द्वारा सत्य का परीक्षण किया। यानी जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब इतनी बड़ी हिंसा हुई तो उसने क्या किया, युद्ध त्याग दिया और धम्म की नीति चलाई। तो कैसे चलाई, कि वो सत्य तक पहुंचा। कैसे पहुंचा, विवेक से। उसे लगा कि हिंसा के द्वारा हम कहीं ना कहीं मानव का कल्याण नहीं कर सकते। यही इसी प्रकार के उदाहरण आप यहां पर सब में लगाएंगे। अब देखिए तीसरा जो विवेचन का पॉइंट होगा, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट। अब देखिए मैंने फिर कनेक्ट किया कि दोनों पैराग्राफ जो लिखे गए हैं वो आइसोलेट ना हो, कनेक्ट कर दिया कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसका व्यवस्था के विभिन्न सोपानों पर परीक्षण करना होगा। अब ये पूरा वही डायग्राम आ गया जो मैंने आपको थोड़े थोड़े उदाहरण से बताया, यानी सामाजिक धार्मिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ और पर्यावरणीय संदर्भ। तो आप ध्यान करके इसको करेंगे, फिर प्रौद्योगिकीय संदर्भ, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, आपके सामने ये सारे पॉइंट आ गए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष। अब देखिए एक अच्छा निष्कर्ष निबंध की, यह भी आप समझिए कि भूमिका के बाद सबसे बड़ी चीज होती है। अब देखिए मैंने इसको क्या किया, फिर से आप निबंध को एक बार रिवाइंड करिए। क्या है कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। ठीक है, विवेक सत्य, यानी विवेक क्या है, सत्य और असत्य के मध्य अंतर करने की आपकी योग्यता। सत्य क्या है, जो वास्तविक है, जो तथ्य से पुष्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो विवेक, अब आप देखिए यदि हम वर्ष 2018 के नोबेल पुरस्कार निष्कर्ष लिख रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके कार्य क्षेत्र को देखें तो उसे एक मॉडल के रूप में रखें तो जिस निष्कर्ष तक हम पहुंचना चाहते हैं वह पुष्ट होता दिखाई देता है। यानी देखिए आप कैसे बात करें, जैसे ऐसा लग रहा है कि परीक्षक से आप बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहां पर डायग्राम में प्रस्तुत कर दिया क्योंकि मुझे 30 मिनट में ही इसको कंप्लीट करना है। तो आप इसको भाषा का रूप दे सकते हैं, जैसे कैसे कि नादिया को क्या शांति के लिए नोबेल मिला, आप सबको पता है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ये नादिया, यानी इसको जो इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं उन्होंने उठा लिया इराक में और लगातार इनके साथ रेप और यौन हिंसा होती रही और इन्होंने वहां देखा कि ढेर सारी महिलाएं जो यजिदी हैं उनके साथ लगातार ऐसे ही व्यवहार हो रहा है, तो अब इनके साथ हुआ था, तो अगर ये सत्य को जानती थी और इन्होंने क्या किया, विवेक से काम लिया और अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने जैसे कॉमनली क्या होता है कि किसी शरणार्थी शिविर में चले गए, सुसाइड कर लिया या एकदम निराशा में चले गए, गुमनामी में चले गए, नहीं, क्या किया, विवेक को अपने बनाए रखा, यानी सही और गलत क्या है, तो इनको पता लग गया कि भाई असत्य है महिलाओं के विरुद्ध युद्धों में इस प्रकार की
जो हिंसा होती है, यौन हिंसा होती है, इस प्रकार की घटनाएं, और उन्होंने प्रण कर लिया कि अब इस दलदल में और महिलाओं को नहीं फंसने देंगे। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें जो है, और उसके बाद नोबेल जो कमेटी है उन्होंने उन्हें शांति के नोबेल के रूप में पुरस्कार दिया। तो यही है विवेक द्वारा सत्य तक पहुंचना। विवेक का मतलब विचार होता है, विवेक का मतलब सही और गलत के मध्य का अंतर होता है। अर्थशास्त्र में देखिए, विलियम डी नाडहास, पाल एम एस रोमर को मिला तो क्या मिला, जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने नई तकनीकी बताई कि विकास और पर्यावरण का संतुलन एक साथ होना चाहिए, यानी प्रकृति एवं मार्केट इकोनॉमी के मध्य इन्होंने रिश्ता बताया। तो कैसे बताया, इन्होंने विवेक से इस सत्य का परीक्षण किया कि अगर आने वाले समय में विकास और पर्यावरण के मध्य बेहतर संबंध नहीं बनेगा, प्रकृति एवं मार्केट इकोनॉमी एक साथ नहीं आएंगे, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक असंतुलन खराब होगा और मानवता को बहुत से भुगतान इसके करने होंगे, जैसा कि अभी भी किया जा रहा है। जैसे अमेजन के जंगलों में आग लगी, वो मैंने आप लोगों को द हिंदू के खंड में कराया। तो ये क्या था, विवेक से इस सत्य पर पहुंचे। विवेक ना होता तो संभवतः इस सत्य तक वह नहीं पहुंच सकते थे। फिर इसके बाद चिकित्सा विज्ञान में मिला, जेम्स पी एलिसन को, ताशुको होंजो को, इन्होंने कैंसर के इलाज के लिए इम्यून चेक पॉइंट थ्योरी बनाई। फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखिए, फिजिक्स में लेजर विज्ञान के लिए, केमिस्ट्री में जीवों में आनुवांशिक बदलाव के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी उदाहरण, आप इसमें 17 के भी 16 के भी नोबेल पुरस्कार, या और भी आप अपने ढंग से इसमें फैक्ट डाल सकते हैं, मेरा काम था केवल खोलना। अब देखिए निष्कर्ष में अंतिम, क्या यही बात सुकरात, प्लेटो, कांट, कबीर, बुद्ध, गांधी के विचारों एवं कार्यों में नहीं दिखाई देती, क्वेश्चन मार्क मार्क के छोड़ दीजिएगा। यह भी लिखने की शैली होती है क्वेश्चन मार्क, यानी परीक्षक दो मिनट के लिए सोचेगा कि इस लड़के की जो विचार करने की या इस लड़की की जो विचार करने की क्षमता वह अद्भुत है। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा, यह पहला था। अब हम लोग मंडे से 2 बजे लाइव लगातार यूपीएससी के सारे प्रश्न पत्र में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल फॉलो करते रहे। मिलते हैं मंडे 2 PM लाइव क्लास में एसए के अगले सेगमेंट में।